नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है और इस महामंत्र को कैसे जप करना है और इस जप से आपको क्या लाभ मिलेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे आज का पंचांग क्या कहता है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा योग है और राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, शुभ मुहूर्त कब है और अभिजीत मुहूर्त कब है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन पुलिस सेवा में जाएगा, कौन पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन हॉकी और क्रिकेट के खेल में जाएगा, कौन फुटबॉलर होगा, किसको अधिवक्ता बनना है, किसको मीडिया के क्षेत्र में जाना है, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन विधि के क्षेत्र में जाएगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप जब कौन सा उपाय करें, किस मंत्र का प्रयोग करें, किस रंग का प्रयोग करें और किस अंक का प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज का महामंत्र है ओम साधो जाते नमः। ओम साधो जाते नमः यह भगवान शिव का महामंत्र है, देवाधिदेव महादेव का मंत्र है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, आप परेशान हैं, तनाव में रह रहे हैं और आप नेगेटिव थॉट में जा रहे हैं, आपके सोचने की प्रक्रिया गलत है और आप अपने को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा नीच का है या छठे आठवें बारहवें बैठा है, जिसके नाते आपको मानसिक तनाव है, उद्विग्नता है, तो आप इस महामंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी पति या पत्नी में अनबन है, वैचारिक मतभेद है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान है, ऐसे परिस्थिति में इस महामंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद है। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 19 दिसंबर 2022, दिन है सोमवार, तिथि एकादशी, जो अगले दिन 2:35 तक रहेगा, चित्रा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, अतिगंड योग है, सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:27 पर, चंद्रमा रहेगा आज तुला राशि में, शुभ समय है 11:57 से लेकर के अपराह्न काल 12:38 तक रहेगा, राहु काल है प्रातः काल 8:25 से लेकर के 9:43 तक रहेगा, पूर्व दिशा का दिशाशूल है। एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना है। जब यात्रा बहुत अपरिहार्य है तो आप एक दिन पूर्व प्रस्थान निकाल के तब यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु काल में किसी कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो कार्य होते होते रह जाएगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, तो किस राशि का भाग्योदय होगा, किसको विदेश से धन लाभ होगा, किसको शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, किसको सोना चांदी के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, कौन खेल के क्षेत्र में जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, कौन अधिवक्ता बनेगा, कौन विधि वेत्ता बनेगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आप अपने साहस और पराक्रम से बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज आप उत्साह से भरे रहेंगे और काफी आत्मविश्वास रहेगा आप में। चर्चा का संवाद बनाए रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, सरकारी प्रयासों में जुड़े रहेंगे, परिचय का लाभ मिलेगा और अनुकूलता बना रहेगा, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, निजी बातों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, माली हालत अच्छी होगी, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, परिवार में शुभ कार्य होगा और किसी नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। सावधानी की बरतनी है, मन को एकाग्र होकर अपने कार्य में लग जाएं, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको अपने संस्कारों के बल पर काफी आपको लाभ मिलेगा और आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, नई योजनाएं क्रियान्वित होगी, आदर्शों का पालन करेंगे, आज आपके संरक्षण में लोगों को लाभ मिलेगा, संरक्षण में लोगों को सुरक्षा मिलेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, उनकी धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आप लोगों के प्रति एक गार्जियन की भूमिका में रहेंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, सभी प्रकार का
सबका सम्मान रखेंगे, सभी व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबका सम्मान करेंगे। आपको समाज के द्वारा सम्मान मिलेगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आज आपका व्यापार बढ़ेगा। सावधानी क्या बरतनी है, पिता की सलाह से ही कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, देवी माँ की पूजा करें। आज आपके लिए शुभ अंक 3 शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर 8 हर एक। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, तो जो मिथुन राशि के जातक है, आज आपको चारों तरफ से लाभ का समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है, प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे, आपका प्रदर्शन काफी अनुकरणीय रहेगा, लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, लक्ष्य पर फोकस रखें, समय प्रबंधन पर बल देने की जरूरत है, समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर समय चैनलाइज नहीं हुआ तो व्यक्ति बहुत पीछे हो जाता है, अगर आगे बढ़ना है तो समय की कीमत को समझें और अपने समय को पूरा चैनलाइज करके कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नया कार्य करने की सोच बनेगी, प्रयासों को समर्थन मिलेगा, अपनों का साथ रहेगा, शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी और नए तरह के कार्य करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, श्रृंगार की वस्तुएं आज आपको भगवान शिव पर अर्पित करनी है। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग हरा, लक मीटर 7 हरे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की, तो जो कर्क राशि के जातक है, आज अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, काम काज में संतुलन बनाए रखें, कार्य आपका बड़ा अच्छा होगा और नए तरह के लोगों के मिलने से कार्यों में वृद्धि होगी। अत्युत्साह में आने से बचने की जरूरत है और रिश्तों के प्रति सकारात्मक रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पेशेवर मामले में आप जिम्मेदार बनेंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, खर्च निवेश पर नियंत्रण करें, लंबी दूरी की यात्रा संभव हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, लेन देन में धैर्य दिखावें, सावधानी क्या बरतनी है, मध्य मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, सहाय को वस्त्र दान करें, भोजन करावें। शुभ अंक 8 शुभ रंग सफेद, लक मीटर 8 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको आलस्य का प्रताप करके अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए, आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपके कार्यों में विस्तार होगा और आज आपकी स्मार्ट वर्किंग रहेगी और अपने स्मार्टनेस तरीके से कार्य करेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे और नए तरीके की भूमिका में रहेंगे। आज आप अपने को नए क्लेवर में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, महत्वपूर्ण मामलों को गति देंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ने का प्रयास करिए और करियर व्यापार बेहतर होगा, भेंट वार्ता में सफल रहेंगे, लक्ष्य बनाए रखने की जरूरत है, करीबियों का सहयोग मिलेगा, संबंधों में मजबूती आएगी। सावधानी क्या बरतने, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, लाल वस्तु का दान करें। शुभ अंक 8 शुभ रंग से ग्रीन, लक मीटर 9 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको आम अनजानों से कोई भी डील नहीं करना, उसे सावधानी बरतने, कोई भी स्ट्रेंजर है, अनजान है, उसे किसी प्रकार के कार्य की शुरुआत नहीं करें, नए कोई व्यवसाय न करें, उनसे लेन देन न करें। अगर पाइपलाइन में कोई कार्य है तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेन देन में धैर्य रखें, सहयोग की भावना रखें, आप अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन में रह करके आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं, खुद में अनुशासित हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो भी अनुशासित रहे, देश विदेश के कार्य बनेंगे, दान धर्म में रुचि बढ़ेगी, व्यापारिक प्रगति होगी, शेयर से लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी, अपने योजनाएं गुप्त रखें। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ जरूर खिलावें। शुभ अंक 1 शुभ रंग आसमानी, लक मीटर 8 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की, तो जो तुला राशि के जातक हैं, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, कर्म क्षेत्र में स्तर ऊंचा बढ़ेगा, नए तरह के कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, प्रशासन प्रबंधन का ध्यान रखेंगे, विभिन्न प्रयासों में तेजी बनी रहेगी, सहजता से बात बनेगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नए तरह के कार्य होंगे, सभी का सहयोग मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने समय की कीमत को समझें। उपाय क्या करना, पंचमेवा का खीर का हवन करें, हनुमान जी को लड्डू भोग लगावें। शुभ अंक 2 शुभ रंग नीला, लक मीटर 7 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के, तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वैभव मिलेगा, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, तनाव में रहने की जरूरत नहीं है, परिवार में समय दें, परिवार के प्रति कंसर्न रखें, आज आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आय से अधिक व्यय हो सकता है तो अपने आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करें, दूर देश की यात्रा हो सकती है, क्रोध पर नियंत्रण रखने की बजाय दिल की बजाय दिमाग से काम लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, गृह निर्माण का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, लेन देन करने से बचें। उपाय क्या करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करें, 11 लड्डू हनुमान जी को भोग लगावें। शुभ अंक 1 शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 7 हरे। अब हम बात करेंगे धनु राशि की, तो जो धनु राशि के जातक हैं,
आज आपको शैक्षिक कार्यों में उत्साह बना रहेगा, शैक्षणिक कार्यों से धन मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, नौकरी मिल सकती है। यदि आपने लेक्चरर का, प्रोफेसर का और अध्यापन का अगर आपने आवेदन पत्र किया है तो आज आपकी नौकरी लग सकती है। भाग्य पर बढ़त बनाए रखें, भाग्य बढ़ सकता है। योजनाओं के प्रति सचेत रहें, जो भी आपकी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, करियर व्यापार आपका अच्छा रहेगा। योजनाओं को गति देने की जरूरत है, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आस्था और विश्वास में वृद्धि होगी, विभिन्न मामलों में पक्ष अपना मजबूत रहेगा और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। करियर व्यापार आपका अच्छा रहेगा, अनुकूलता बनी रहेगी, सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। शुभ अंक 8 शुभ रंग बैगनी, लकमीटर 9 हरेक। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक है, आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। करियर और व्यापार के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। आज आपके लिए समय काफी अनुकूल है, लाभ मिलेगा और धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, समय में सुधार आएगा, घर में वृद्धि का योग बन रहा है और बड़ों का समर्थन मिलेगा। बड़ों के सहयोग से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों को गति देने की जरूरत है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। मेल जोल बढ़ाने पर जोर दें और आज आपको सावधानी क्या बरतनी, मुकदमे त्याग से बचें। उपाय क्या करना, पक्षियों को दाना खिलावे। शुभ अंक 8 शुभ रंग सफेद, लकमीटर 7 हरेक। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका समय अनुकूल है, आपने समय पर विशेष महत्व दें। परिवार में वृद्धि का योग बने, अपनी बातों का सम्मान करें, जो बात कहते उसको करने का प्रयास करें, हवाई महल न बनावे और जो अपने ब्लड से संबंधित लोग हैं उनकी मदद करेंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे और उनको एक नई दिशा देंगे, पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहेंगे। समय साधारण बना हुआ है लेकिन कार्य में गति होगी, सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत है। सहज गति से आगे बढ़ें, आपकी चीजें अच्छी रहेगी। वाणी व्यवहार में सजग रहें, खान पान में सुधार आएगा, नीति नियमों का पालन करें अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, साझेदारी में व्यापार न करें। उपाय क्या करना, काली गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 शुभ रंग से ग्रीन, लकमीटर 9 हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपके संबंधों में सुधार आएगा, संबंधों में मजबूती आएगी, परिवार में शुभता रहेगा, नए कार्य होंगे, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, सकारात्मक लाभ मिलेगा और जो भी सकारात्मक योजनाएं हैं, जो परेशानियां दूर होगी, सकारात्मक पक्ष आपका मजबूत होगा, सोच सकारात्मक होगी, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे और सकारात्मक लोगों के साथ मिलकर के एक नए प्रकार का व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। सौदे के अनुबंधों को मूर्त रूप देंगे, जो आपका इमेजिनेशन उसको रियलिटी में बदलेंगे। अपने योजनाओं पर फोकस हो जाइए, केंद्र जो भी आपका लक्ष्य है ना उस पर फोकस होकर के कार्य करिए। वार्ताओं में सहज रहें, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी आपकी, करीबियों का सहयोग प्राप्त होगा, माली हालत अच्छी होगी और जो आपके मित्रगण है आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, आपके मददगार सिद्ध होंगे। सावधानी क्या बरतनी, छोटी छोटी बातों से परेशान न हो। उपाय क्या करना, पीला वस्त्र किसी सुहागिन महिला को दान करें। शुभ अंक 9 शुभ रंग पीला, लकमीटर 9 हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो आज हम आपको गुरु के नुस्खे में बताएंगे कि भगवान शिव को, देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय जिनको करने से आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। भगवान शंकर को भोले इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वो मन से बहुत ही भोले हैं, छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होती, वह थोड़ी सी पूजा में अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष है, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर केवल जल भर से बेहद वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप अपनी उनकी पूजा करते हुए कुछ उनकी चमत्कारिक उपाय को भी अगर अपना लें तो आपकी मनोवांछित बहुत सारी मनोकामनाएं आसानी से देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूरी हो जाएगी। याद रखें, जब भी किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए आप प्रभु की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा मंदिर में जाकर के ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि घर में पवित्रता का अभाव रहता है। देव स्थान पर पूजा यदि फलीभूत होती है, परेशानियों से छुटकारा और मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या करें, शिव जी की पूजा कैसे करें, आइए आपको बताते हैं। सोमवार के दिन आप शिवालय में जाएं और शिव जी पर जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग को दोनों हथेलियों से मालिश करते हुए रगड़ें। ऐसा करते समय शिव जी से अपने मन की बात मन ही मन बोलते जाएं। सोमवार को शिव जी के ऐसे मंदिर में जाएं जहां शाम को दीपक जलावें, जहां कम लोग जाते हैं
वहाँ शाम को दीपक जलाकर कुछ देर बैठें और शिव जी को अपना कष्ट या मनोकामना को बतावें। बेलपत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उनकी माला बना लें। अब ये माला आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी रोग से छुटकारा चाहिए तो आपको हर सोमवार को शिवालय में जाकर भगवान शिव पर जल में दूध और काले तिल को मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पुराना रोग भी सही होने लगता है और ठीक हो जाता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो, उनको विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना है कि शिव मंदिर में जब भी जाएं तो शिवलिंग पर जल चढ़ावें और उसमें केसर या हल्दी मिलाकर कोशिश करें कि हर सोमवार के दिन शाम को जल जरूर चढ़ावें। यदि आप पर शनि का प्रकोप है, शनि भारी हो रहा है या शनि दोष से पीड़ित हैं, तो क्या करें कि हर सोमवार शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करें। तो हमने जो आपको उपाय बताकर करते हैं तो आपकी सारी मनोरथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। तो हमारे साथ पंजाब से हैं सुखवीर कौर। इनका जन्म है 1:03 पर और जन्मतिथि है इनका 15 अगस्त 1978। ये जानना चाहते हैं कि इनका आने वाला समय कैसा रहेगा, भाग्य इनका कब अच्छा होगा। देखिए सुखवीर जी, अभी जो आपका समय चल रहा है लगभग 2.5 वर्षों से, ये काफी स्ट्रगल का रहा, तनाव का रहा। आप अच्छे विचारधारक होंगे, दूरदर्शी होंगे, विजनरी होंगे, अपनी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इधर कुछ वर्षों से लगातार 1.5-2 वर्षों से जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। नवंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2026 तक का जो कालखंड होगा आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसमें जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। आपका समय अच्छा हो इसके लिए आप क्या करें कि संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें और गरीबों को भोजन करावें और चिड़ियों को दाना जरूर खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। तो आज है 19 दिसंबर 2022। तो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपको सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा मिले, आप जो भी सोचते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से। आपका जन्मदिन शुभ हो, हैप्पी बर्थडे। 19 तारीख के जो जन्मे जातक होते हैं उनका मूलांक 1 होता है। तो खास तौर से 1, 10, 19 और 28 तिथि के जो जन्मे जातक होते हैं उनका मूलांक 1 होता है। 1 वाले जो लोग होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं, उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता तीव्र होती है। ये किसी के अधीन नहीं रहते, इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, महापुरुष होते हैं और जीवन में महान उन्नति करने वाले होते हैं। ये नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, गुरु की भूमिका में होते हैं, ये किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते। यह वर्ष आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चतुर्थिक विकास होगा। खास तौर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना शुरू के आपके लिए बड़े ही बेहतरीन है। उत्तरोत्तर प्रगति होगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नए तरह के मेहमान घर में आने की संभावना बन रही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त थोड़ा सा स्ट्रगल के लिए रहेगा और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो अंतिम 4 महीने आपके लिए काफी बेहतरीन है, उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होगी, माली हालत अच्छी होगी, गाड़ी खरीद लेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पदोन्नत होगी, तो जो भी आपकी चीजें होगी इसमें अच्छा रहेगा, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, सारी चीजें आपके लिए अनुकूल होगी। आपका समय अच्छा चले इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्य देव की आराधना करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, लाल पुष्प चढ़ाना है और ओम ग्रणी सूर्यानमच मंत्र का जप करना है। सावधानी का व्रत नहीं है, सावधानी आपको व्रत नहीं है कि गुस्सा पर नियंत्रण करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और उतावलेपन में बचे, उतावलेपन में कोई कार्य करने से बचे और अपनी गोपनीयता बरतें। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भाग्य गुरु बसा जितना